ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। ठाणे मनपा विरोधी पक्ष के नेता मिलिंद पाटिल ने बड़ा आरोप लगाया है कि मनपा द्वारा अपना दवाखाना नामक योजना शुरू की जा रही है। लोक संख्या के आधार पर ठाणे में 26 स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, मगर इसके बावजूद 50 स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने और 160 करोड़ खर्च करने के पीछे क्या मंशा है। एक प्रकरण क्रमांक 20 महासभेत मंजूरी साठी आला अपना दवाखाना ई स्मार्ट हेल्थ क्लिनिक। आज ते करताना त्यांनी दोन पायलट प्रोजेक्ट म्हणून दोन क्लिनिक हे केले होते आणि त्याच्या अनुषंगाने त्यांनी असं सांगितलं की ती हे झाल्यामुळे आता शहरात 50 ठिकाणी असं करण्याची गरज आहे। त्यात त्यांनी गोश्वऱ्यामध्ये म्हटलं की साधारण लोकसंख्येला 50,000 मागे एक क्लिनिकची आवश्यकता असते। ठाण्याची लोकसंख्या जर 30 लाख पकडली आपण तरी 60 क्लिनिक लागतात। त्यातली 60 पैकी जरी आपण पकडली, अर्धी तर स्लमच आहे, बाकीच्या याच्यात ते गुजरात नाही, पण जरी 60 पकडली तरी आपल्याकडे ऑलरेडी आरोग्य केंद्र जवळजवळ 28 आरोग्य केंद्र आहे। जम्मू काश्मीर के पहलगाम के लीदर दरिया में राफ्टिंग के दौरान एक नाव पलट गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना अनंतनाग के पहलगाम के पर्यटन स्थल की है। राफ्टिंग के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शपथ के दौरान संसद में जय श्री राम के नारे लगे। ओवैसी जैसे ही अपनी सीट छोड़कर शपथ के लिए विल में पहुंचे, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मगर ओवैसी हाथों को उठाकर जोर जोर के नारे लगाने का इशारा किया और शपथ लेने के बाद ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, अल्लाह अकबर और जय हिंद का नारा लगाया। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय हिंद। एक साइकिल सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना महाराष्ट्र के बुलवाना का है। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया, मगर गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग लगा दी। वहीं आरोपी ड्राइवर को पुलिस अब ढूंढ रही है। भंडारा के चुलबंदी नदी के पुल के ऊपर एक टैक्सी 80 फीट नीचे गिर गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। टैक्सी का टायर फटने की वजह से पुल के नीचे गिर गई। इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जिसमें स्कूली छात्र और महिलाएं शामिल थी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।